तालाब में रहने वाली परी। बहुत समय पहले की बात है, जब मीना और टीना नाम की दो बहनें हंसी खुशी से टीकापुर गांव में अपनी माँ और पिता के साथ रहते थे। टीना और मीना दोनों जुड़वा बहनें थे। दोनों की शक्ल मिलती जुलती थी। दोनों की शक्ल देखकर कभी कभी तो उन दोनों की माँ भी उन्हें पहचान नहीं पाती थी कि कौन टीना है और कौन मीना। इस वजह से टीना और मीना की माँ ने हमेशा टीना को लड़कों के कपड़े पहनाए और मीना के लड़कियों वाले। गांव वाले दोनों बहनों को देखकर बहुत हैरान हो जाया करते थे, पर अब उन लोगों को आदत हो गई थी। दोनों बहनों का व्यवहार एक जैसा ही था। दोनों बहनें बहुत ही ईमानदार और दयालु थी। वो गांव में सभी लोगों की मदद करती थी और सभी से प्यार से बात करती थी। अरे काका नमस्ते, कहाँ जा रहे हो? सामान आपका बहुत भारी लग रहा है, कहो तो हम आपकी मदद कर दे सामान घर पहुँचाने में। नमस्ते नमस्ते बिटिया, तुम दोनों कितनी अच्छी हो, गांव वालों का कितना ध्यान रखती हो। जरा ये सब्जियां हाथ में पकड़ लो, मैं ये आटा पकड़ लेता हूँ और इन्हें घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। तुम्हारी काकी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। इसके बाद टीना और मीना दोनों बहनें मिलकर काका की मदद करती हैं और सब्जियां पहुंचाने उनके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद काका दोनों को धन्यवाद करती हैं। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, देखो तुम्हारी काकी ने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज बनाई है, खाकर बताओ कैसे बने हैं। दोनों बहनें बैठकर काकी के हाथों से बने हुए बिस्किट खाने लगती हैं। बिस्किट खाने के बाद काकी की तारीफ करते हुए कहती हैं, वाह काकी बिस्कुट तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। काकी आपका तो जवाब ही नहीं, मैं कहती हूँ आपको एक बिस्कुट की फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। यकीन मानो काकी, आपकी फैक्ट्री बहुत ज्यादा चलेगी। अरे बिटिया, अब कहाँ हमारी उम्र है जो हम इतने सारे बिस्किट बना सके। अब तो जो करना है अपने जीवन में तुम्हें ही करना है। मैं तुम्हें बिस्किट बनाना सिखा देती हूँ, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर बिस्कुट की एक फैक्ट्री खोल लेना। काकी अगर हमने एक बिस्कुट की फैक्ट्री खोल ली तो ये टीना सारे बिस्कुट खा लेगी और फूलकर गुब्बारा बन जाएगी। दोनों बहनें बैठकर बहुत देर तक काका काकी से बातें करती है। बातें करते करते शाम हो जाती है और यहाँ घर पर दोनों बहनों के माता पिता परेशान होते हैं। दोनों बहनें जब घर पहुँच जाती है तो माँ पूछती है, तुम दोनों बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही हो, कितनी बार तुमसे कहा है अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाया करो, पता है पिताजी कितना गुस्सा कर रहे थे, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। अरे माँ आपको पता है ना, हम काका काकी के घर गए थे, वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत स्वादिष्ट बिस्कुट खाने के लिए दिए, इस वजह से हमें देर हो गई, वरना हम समय पर घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें खाना खा लेती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दोनों बहनें आपस में बहुत बातें करती थी और बातें करते करते सो जाती थी। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल के लिए तैयार होती है और स्कूल जाती है। स्कूल में दोनों बहनें बहुत चर्चित थे। दोनों बहनें पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार थे, जिस वजह से टीना और मीना दोनों को स्कॉलरशिप मिली हुई थी। उन दोनों की फीस आधी थी। दोनों बहनें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाती थी और सभी से अच्छे व्यवहार से बातें करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन उनके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका देहांत हो जाता है। अपने पिता के दुनिया से चले जाने के बाद दोनों बहनें बहुत ज्यादा उदास उदास रहने लगती हैं और अब पिता के चले जाने के बाद घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। अपने पति के चले जाने के बाद दोनों बहनों की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अब दोनों बहनें अपना स्कूल बंद कर देती है और काकी के बताए अनुसार बिस्कुट बनाने लगती है। दोनों बहनें बिस्कुट बनाने के बाद रेहड़ी पर उसे बेचती है। शुरू शुरू में तो उनकी कमाई नहीं होती थी, परंतु धीरे धीरे दोनों बहनों के बने हुए बिस्कुट लोगों को पसंद आने लगे और दोनों बहनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ गई और दोनों बहनों ने अपनी माँ को सहारा दिया।
दोनों बहनों की स्कूल की पढ़ाई छूट जाने के बाद अब दोनों ने बिस्कुट की फैक्ट्री पर ध्यान दिया और उसे आगे बढ़ाया। एक दिन दोनों बहनों को बिस्कुट के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर आता है जो कि शहर से था। ऑर्डर को पूरा करने की जिम्मेदारी दोनों बहनें ले लेती है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में दोनों बहनें अपनी माँ के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाती है ताकि अपनी माँ को थोड़ी खुशियाँ दे सके। बाहर जाकर तीनों को बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। उसके बाद जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में आग लगी हुई है और सभी लोग पानी भर भर के आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर में आग लगी हुई देखकर तीनों को सदमा सा लग जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दोनों बहनों के मन में ये चल रहा होता है कि जो बिस्कुट का इतना बड़ा ऑर्डर लिया था उसका एडवांस घर में ही रखा हुआ था और आग लगने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो क्या करेंगे? अपने घर को जलता हुआ देखकर टीना और मीना की माँ को सदमा लग जाता है और काफी दिन तक वो सदमे में ही रहती है। टीना की माँ कुछ भी नहीं खाती है और ना ही किसी से बात करती है। इसी तरह वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ के चले जाने के बाद दोनों बहनों के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बिस्कुट फैक्ट्री पर अब दोनों बहनें जाना बंद कर देती है और माँ के चले जाने के बाद वो भी आत्महत्या करने के लिए गांव के एक बहुत गहरे तालाब के पास जाती है। सुन मीना, अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमें इस तालाब में कूदकर अपनी जान देनी होगी। शहर के बड़े व्यापारी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर ये सब तो उल्टा हो गया। माँ भी हमें छोड़कर चली गई। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम गाँव में रहे तो वो शहर का बड़ा व्यापारी हमें माफ नहीं करेगा और हमारे ऊपर कानूनी कार्यवाही करेगा। इससे अच्छा है कि हम इस तालाब में कूदकर जान दे दें और अपनी माँ और पिता के पास चले जाएं। इतना सोचकर दोनों बहनें एक साथ तालाब के अंदर छलांग मारती है। तभी तालाब में से एक परी उन दोनों बहनों को गोद ले लेती है और उन्हें वापस जंगल में ले जाती है और दोनों बहनों से बात करती है। क्या हुआ तुम दोनों बहनों को जो तुम आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें नहीं पता आत्महत्या कमजोर लोग करते हैं। तुम तो मुझे बहुत समझदार लगती हो। आपने हमें क्यों बचा लिया? हमें मरने दीजिए, हमारे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, हम दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। इतना कुछ होने के बाद अब हम नहीं जीना चाहती हैं। देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अभी तक क्या क्या हुआ है, परंतु तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मृत्यु का एक समय होता है, जब वो समय पूरा हो जाता है तो भगवान उस मनुष्य को खुद अपने पास बुला लेता है, परंतु अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। हम जानते हैं कि ये बहुत गलत बात है, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर हम दोनों बहनें जिंदा भी रहे तो हमारा कोई सहारा नहीं है, न ही रहने को कोई घर है। क्या आप हमें सहारा दे सकती हैं? दोनों बहनों का साहस बनने के लिए परिया उन्हें सहारा देने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों बहनों को अपने साथ तालाब में रहने के लिए कहती है। क्या हम आपके साथ तालाब में रह सकती हैं? लेकिन फिर हम अपना व्यापार कैसे आगे चलाएंगे? देखो, तुम दोनों बहनों को रहने के लिए इस तालाब के अंदर ही घर मिल जाएगा, जिस घर में और भी परियां रहती है, इसलिए तुम्हें अकेला महसूस भी नहीं होगा। और जब भी तुम्हारा बाहर आने का मन करे तो तुम तालाब से बाहर भी आ सकती हो। और रही बात तुम्हारे बिस्कुट की फैक्ट्री की, तो हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। परी की ये सारी बातें सुनकर दोनों बहनें परी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों बहनें परी के साथ तालाब में चली जाती है। उसके बाद सभी परियां मिलकर दोनों बहनों के ऑर्डर की तैयारी करती है और शहर के व्यापारी का ऑर्डर तैयार कर देती है। दोनों बहनों के बने हुए बिस्कुट पूरे शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। अब दोनों बहनें मिलकर सभी परियों के साथ बहुत सारे बिस्किट बनाते हैं और उन बिस्कुट को गरीब लोगों में बांट देते हैं। बहुत समय पहले की बात है,
नजफगढ़ के एक छोटे से गांव जहां सुनीता अपने परिवार के साथ रह रही थी। सुनीता बहुत गरीब परिवार से थी। सुनीता के माता पिता हलवाई का काम किया करते थे और गरीब होने के कारण उनकी दुकान कम चला करती थी। हर कोई सुनीता की दुकान के सामने वाली टीना की दुकान से सामान खरीदा करता, क्योंकि टीना एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी जहां उनके पास कोई कमी नहीं थी। और फिर भी वो लोग अपनी मिठाइयों में मिलावट करते तो कभी मिठाइयों में मैदा जैसी चीजें मिलाया करती जो खाने में तो अच्छी होती है लेकिन खाने के बाद सेहत बिगाड़ देती है। गांव के सभी लोग ज्यादातर टीना की दुकान से सामान लिया करते हैं। टीना के माता पिता बहुत चालाक होते हैं जो अपनी चालाकी से चार पैसे कमाया करते। वहीं सुनीता का परिवार एक बहुत सीधा परिवार होता है और गरीब होने के कारण वो लोग कभी भी छल कपट जैसी चीजें नहीं किया करती हैं। लेकिन फिर भी उनकी दुकान कम चला करती है। इसका कारण ये था कि लोग उन्हें गरीब देखकर उनसे घिन किया करते थे और उनकी दुकान में नहीं जाया करते थे। ऐसे ही रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था। सभी हलवाई अपनी अपनी दुकानों में अच्छी अच्छी मिठाइयां तैयार कर रही होती हैं। कोई रसगुल्ला बना रहा होता है तो कोई बर्फी बना रहा होता है। ऐसे ही सबके दिन निकल जाया करते। सुबह से शाम ग्राहकों को संभालने के साथ साथ अपनी मिठाइयां भी तैयार करनी होती थी। सुनीता अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। वहीं टीना अपने माता पिता की एक नहीं सुनती और हमेशा बाहर खेलने में ध्यान लगाती थी और हमेशा दूसरों को सताया करती और ये सब करके उसे बहुत अच्छा लगा करता। टीना से सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे लेकिन फिर भी कोई टीना से कुछ नहीं कहा करता। वहीं दूसरी तरफ सुनीता से हर कोई नफरत किया करता क्योंकि वो गरीब परिवार से थी, जिस कारण हर कोई उसे अपने आप से दूर रखा करता। गांव के बच्चों का ये व्यवहार सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए वो बाहर खेलना पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा अपने माता पिता के काम में हाथ बटाया करती। अपनी बेटी की मदद लेकर सुनीता के माता पिता तरह तरह की मिठाइयां बना लिया करते। लेकिन फिर भी त्योहारों पर टीना की दुकान बहुत जोरों शोरों से चला करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कुछ ही दिनों बाद बच्चे अपने अपने घरों के बाहर राखी की दुकान लगाया करते और राखी बेचा करते। ऐसी राखी लोगे तो बार बार देखते रहोगे, राखी ले लो राखी ले लो राखी, मेरी दुकान की राखी और किसी दुकान पर नहीं मिलेगी सबसे बेस्ट क्वालिटी की राखी। ना जी ना, मैं तो अभी राखी नहीं खरीदूंगा। मुझे तो लगता है कि तुम अभी महंगी राखी बेच रहे हो। मैं तो रक्षाबंधन से दो दिन पहले ही राखी खरीदूंगा। अरे अंकल, 10 रुपए की राखी भी आपको महंगी लगती है क्या? आओ आओ मेरी दुकान से 10 रुपए की चाहे जितनी मर्जी राखी ले जाओ। बेटा, मुझे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 30 राखी चाहिए। अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से लूंगा तो मुझे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, मैं अभी नहीं लूंगा। बच्चे आपस में एक दूसरे की राखी को कम अच्छा बताकर अपनी दुकान पर कस्टमर बुलाते, लेकिन सभी ग्राहक राखी कुछ दिन बाद लेना सही समझते हैं, इसलिए सभी वहां से राखी देकर चले जाते हैं। तभी सुनीता बाहर आती है और राखी देखती है तो बहुत खुश होती है। ये राखी कितने की है? तू तो खरीद नहीं पाएगी इसलिए मत ही पूछ। मुझे राखी बहुत पसंद है, मैं ये राखी जरूर खरीदूंगी। सुनीता ये सब बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ टीना आ जाती है और टीना उसे देखकर जलाने के लिए कहती है, क्योंकि मुझे अपने स्कूल में, पड़ोस में और घर पर राखी बांधनी है, मेरे बहुत सारे भाई हैं। लड़का झटपट राखी पैक कर देता है। तभी टीना सुनीता से कहती है, क्या हुआ सुनीता, यहाँ खड़े खड़े राखी देखती रह जाएगी कि खरीदेगी भी? अरे मैं किसे बोल रही हूँ, ये तो गरीब है, ये कैसे खरीदेगी? इसके पास खाने के लिए है ही क्या, अपनी दुकान की सड़ी सी मिठाइयाँ खाने के अलावा। टीना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तेरी दुकान का राज मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर अभी सबको बता दिया तो लोग तेरी दुकान से मिठाई लेना बंद कर देंगे। सुनीता टीना की दुकान के बारे में सब कुछ जानती थी लेकिन फिर भी वो समझदार होने की वजह से किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
आसपास के खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो क्या बताना चाहती है। फिर सभी एक एक करके सुनीता की दुकान में पहुंचते हैं और सुनीता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनीता किसी को भी नहीं बताती। फिर कुछ समय बाद वो अपने माता पिता को बता रही होती है कि तभी पास में एक गोलू नाम का आदमी खड़ा होता है जो उसकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, टीना के माता पिता इतने लालची हैं? वही मैं सोचूं, इतनी मिठाइयां पकवान ये बना बना कर कैसे बेचते हैं? अब पता चला कि ये लोग सब कुछ बेकार क्वालिटी का यूज करते हैं, जिसे खाकर लोगों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। मैं कल ही गांव में ढिंडोरा पिटवा दूंगा, जिसके बाद उसकी दुकान चलना बंद हो जाएगी। गोलू जाता है और एक ढिंडोरे वाले को ले आता है और उसे पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने को कहता है, और वो ढिंडोरे वाला पूरे गांव में ढिंडोरा पीट पीट कर कहता है, टीना की दुकान में बिक रही मिठाइयां खरीदने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि वो मिठाइयां बहुत बेकार क्वालिटी के तेल से बनाई जा रही है, बल्कि तेल नहीं उसे डालडा कहा जाएगा। गांव के लोग ये ढिंढोरा सुनकर हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही टीना की दुकान से मिठाइयां लेना बंद कर देते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले सुनीता की दुकान से मिठाई लेने लगते हैं, जिसे देखकर टीना को बहुत गुस्सा आता है और टीना एक मौका ढूंढकर सुनीता की दुकान में घुस जाती है और सारा सामान बिगाड़ देने का फैसला करती है। अब देखती हूँ इसकी दुकान कैसे चलेगी, आज मैंने सारी मिठाइयों में मिट्टी तेल डाल दिया और अभी बाहर जाते ही मैं इसमें आग भी लगा दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे इसकी मिठाइयाँ बिकेगी। टीना एक नासमझ लड़की होती है, जिससे दूसरों की परेशानी कभी भी समझ में नहीं आती, और वो जलन में पूरी दुकान में मिट्टी तेल छिड़क देती है और दुकान से बाहर निकलते निकलते आग लगा देती है। सभी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और फौरन भागे भागे सुनीता की मिठाई की दुकान के पास आते हैं। वहीं सुनीता के पिता भी अपनी दुकान पर आते हैं तो देखते हैं कि दुकान जल रही होती है। ये सब देखकर सुनीता के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे से कौन जलता है आखिरकार, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो कभी किसी से कुछ कहता तक नहीं, गांव वाले सभी टीना की दुकान से मिठाई लेते हैं और मेरे यहाँ से कोई मिठाई लेना पसंद भी नहीं करता। टीना की दुकान में इस्तेमाल होने वाला तेल बेकार क्वालिटी का है और आज ही मेरी दुकान में किसी ने आग लगा दी, ये जरूर किसी का किया धरा है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो अभी ही सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार की थी, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरी दुकान में कुछ नहीं होगा और सबकी दुकान चल रही होगी, आखिर मैं अपने परिवार को रक्षाबंधन पर कैसे खुश करूँगा। मेरे घर को किसी की नजर लग गई, मेरी दुकान जलकर राख हो गई, मेरे घर की खुशियाँ चली गई। सुनीता, सुनीता की माँ और सुनीता के पिता फूट फूट कर रो रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक सुनहरी परी निकल रही होती है और उन्हें रोता हुआ देखकर सुनहरी परी फौरन से उनके पास आती है और कहती है, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी, क्योंकि यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाया जाता है, मैं मिठाइयाँ खाने की बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और आखिरकार ये दुकान किसने चला दी, तुम भी तो एक हलवाई हो ना। अब परीलोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर मिठाइयाँ खाने आई हैं, मैं आपको मिठाइयाँ जरूर खिलाती, लेकिन किसी दुश्मन ने हमारी दुकान को जलाकर राख कर दिया है, ना हमारे त्योहार के बारे में सोचा, ना हमारी खुशियों के बारे में सोचा, अब हम क्या करेंगे, कैसे अपना त्योहार मनाएंगे और कैसे हम खुश रह पाएंगे, हमारे तो रहने का जरिया सिर्फ ये दुकान ही थी और अब वो भी नहीं रही, जबकि हमारे यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज होता है। पहले आप सब रोना बंद करो, मेरे पास आपकी सारी परेशानी का हल है, लेकिन मुझसे वादा करो कि आप सब अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाओगे। ये लो ये जादुई गाउन है सुनीता, इस गाउन को तुम राखी के दिन पहन लेना और तुम जो भी इस गाउन को पहनकर कहोगी ये गाउन तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा और तुम इस गाउन से अपने मन पसंद की हर एक चीज पा सकती हो। क्या सच में आप सच कह रही हो, तो मैं सबसे पहले अपनी बड़ी सी दुकान और बड़ा सा घर ही मांगूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी गरीब होने की वजह से हमारी दुकान नहीं चल पाती।
सुनीता को इतना खुश देखकर सुनहरी परी बहुत खुश होती है और उसे वो जादुई गाउन देकर चली जाती है। दिन बीत रहे होते हैं और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ ही जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं, सभी बहनें बहुत अच्छे से तैयार होती है। कोई मिठाइयाँ खा रहा होता है तो कोई पकवान खा रहा होता है। सुनीता बहुत खुश होती है और वो भी तैयार होकर अपना गाउन पहन लेती है। जादुई गाउन, हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ झेली है, क्या आप मेरी एक मदद करोगी? मेरे माता पिता के लिए एक बड़ी सी हलवाई की दुकान खोल दो, जिसमें मेरे माता पिता बहुत आराम से काम कर सके और उसमें जरूरत की सारी चीजें रख दो। और मैं चाहती हूँ कि हमारा एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाए, क्योंकि मेरी इस गरीबी की वजह से मेरे सभी दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और कोई भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता। सुनीता की इतना कहते ही जादुई गाउन में से एक दिव्य रोशनी निकलती है। उसका घर एक बहुत बड़े घर में बदल जाता है। उसके घर के नीचे ही एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान खुल जाती है, जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी होती है। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वहीं सुनीता अपना इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश होती है कि तभी सुनीता एक एक करके उस गाउन से बहुत कुछ मांगती है। लेकिन सुनीता जब घर के बाहर आती है तो सुनीता को इतना सुंदर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे ओ सुनीता, कल रात तूने क्या खाया था? रातों रात तेरा घर इतना बड़ा बन गया और तेरे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए? तेरी तो दुकान भी नहीं चलती थी, मुझे तो लगता है तुमने कहीं चोरी की है। टीना, तूने हमेशा फालतू ही बोलना सीखा है, तू अपने काम से मतलब रख। तुझे क्या पता अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? और अगर मैं तुझे बताऊंगी भी तो तेरे से तो मैं हमेशा ही दुश्मनी रखूंगी, क्योंकि तूने कभी भी मेरी गरीबी में मेरा साथ नहीं दिया और बल्कि मेरा मजाक ही उड़ाया है। और आज अब यहाँ खड़े खड़े देख ले कि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। और हाँ, अब मुझसे पंगा मत लियो, नहीं तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। मुझे पता है कि तूने ही मेरी दुकान जलाई थी। सुनीता को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी सुनीता कुछ नहीं कहती। टीना सुनीता की ये सारी बातें सुनकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पास में खड़े बच्चे सुनीता से बहुत प्यार से बात करते हैं और सभी उसके साथ खेलना पसंद करते हैं, जिसके बाद सुनीता बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सुनीता और सुनीता का परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टीना की दुकान अब और कम चलती है। टीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनीता से माफी मांग लेती है, जिसके बाद सुनीता उसे माफ तो कर देती है लेकिन उसके साथ खेलना बंद कर देती है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है।